गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 5 संज्ञा के विकारक तत्व उसकी एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है उसका प्यारे बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे। पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जिसमें हम संज्ञा के विकारक तत्व लिंग, वचन और कारक, ये तीन उसके तत्व जो है हम पढ़ चुके हैं। उसके उदाहरण लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एकवचन, बहुवचन और कारक, कारक के 8 भेद ये हम आगे पढ़ चुके हैं। उस पर आधारित आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है अभ्यास कार्य 1 और अभ्यास कार्य 2 उसका प्यारे बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे, उसे याद करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्तंभ अ में दिए गए शब्दों का मिलान स्तंभ ब में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जहां हमें पुल्लिंग शब्द दिए हैं वहां हम उसका स्त्रीलिंग के साथ और स्त्रीलिंग शब्द जो दिए गए हैं उसका पुल्लिंग शब्दों के साथ मिलान मैच करेंगे। देखिए सम्राट सम्राज्ञी, वधु वर, बैल गाय, विदुषी विद्वान, वृद्ध वृद्धा, दर्जी दर्जिन, मुर्गी मुर्गा, युवक युवती, गायक गायिका, धोबी धोबिन। तो इस तरह से हम मैं और प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसे तैयार करें, टेक्स्ट बुक में देखकर भी तैयार करें, वीडियो देखकर भी आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आप उसे याद करते जाएं। आइए आगे देखते प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के विपरीत लिंग दिए गए शब्दों में से छांटिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें जो रंगीन शब्द दिए गए हैं उसके सही विपरीत अपोजिट शब्द हमें ब्रैकेट में से ढूंढने हैं, उसे अंडरलाइन करने हैं। नंबर 1, पेड़ पर बंदर बैठा है, ठीक है, तो बंदर की जगह पे हम यूज करेंगे बंदरिया। ख, लोटा मेज पर रखा हुआ है, तो लोटा की जगह पे हम लुटिया यूज करेंगे, ठीक है, उसे अंडरलाइन करेंगे। बकरी घास खा रही है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम बकरा यूज करेंगे, बकरा घास खा रहा है। अपोजिट धोबिन गंदे कपड़े धोएगी, ठीक है, तो इसे हम अपोजिट में लेंगे, तो धोबी ब्रैकेट में देखिए अंडरलाइन की हुई है, रेखांकित शब्द को देखिए, तो धोबी गंदे कपड़े धोएगा, वह गुणवान है, तो गुणवान की जगह पे आएगा गुणवती, वह गुणवती है। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों अपोजिट शब्द को पसंद करके वाक्य बना सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। तो हमें ऐसे वाक्य जो दिए गए हैं उसमें रंगीन शब्द है उसका हम लिंग बताएंगे, ठीक है। तो क, मैं न जाने कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था,
प्रतीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो वहां पे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। ख, वह चढ़ाई पर हांफने, चढ़ाई, चढ़ाई शब्द जो है रंगीन वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। ग, सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा में उदित होता है, सूर्य उदित होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ग, ग, शेर ने खरगोश का शिकार किया, तो शेर वो पुल्लिंग शब्द है, तो हम लिखेंगे पुल्लिंग। अंग पांच नंबर देखते हैं, तुम रविवार को यह पुस्तक ले, तो सभी प्रकार के जो दिन है, शनिवार, रविवार, सोमवार, सारे के सारे जितने दिन हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। हम आगे पढ़ चुके हैं कि उसमें हमें नियम में दिया गया था कि सभी प्रकार के जो दिन होते हैं, दिन होते हैं और महीने होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो यहाँ पे रविवार है तो वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आइए आगे देखते, अब प्यारे बच्चों अभ्यास कार्य दो जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, उसी पाठ में, पाठ नंबर पांच, संज्ञा के विकारक तत्व, अभ्यास कार्य दो, उसमें से हम उसकी एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे, याद करेंगे उसे। प्रश्न नंबर एक, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, ठीक है। अब हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख लिए किस तरह से उसको परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। अब हम एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जाता है उसके रूप देखते हैं, ठीक है। क, वस्तु, वस्तुएं। ग, दवाई, दवाएं या दवाइयां, ठीक है, सही रहेगा दवाइयां। ख, लिपि, कठिनाइयां। अंग, नदी, नदियां। च, वधु, वधुएं। छ, छात्र, छात्रगण। ज, आचार्य, आचार्यगण। गौएं, गौ यानी गाय, गौएं बहुवचन उसका रूप। तोता, तोते। तो इस तरह से हम उसे एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं इसके रूप याद रख सकते हैं, उसे लिख कर भी आप प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे वचन को बदलना है, ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, एक वचन में अगर कोई शब्द है तो उसे हम बहुवचन है तो उसे हम बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे और वाक्य को इस तरह से बनाएंगे। आइए देखते हैं। क, राजा ने प्रजा को उपदेश दिया, तो वाक्य बनाएंगे हम राजाओं ने, देखिए बहुवचन में ले जाएंगे हम इस शब्द को, राजाओं ने प्रजा को आदेश दिया, ठीक है। ख, वह विद्यालय जाएगा, तो हम बहुवचन में करेंगे वे विद्यालय जाएंगे, ठीक है। ग, दो वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, बहुवचन, कई वर्ष बीत गए। कितना विचार है, बहुवचन करते, कितने अच्छे विचार है। अंग,
पांच नंबर, उसे एक अध्यापक की जरूरत है, ठीक है, तो उसका को एक अध्यापक की जरूरत है, या इस तरह से भी हम कहेंगे उन्हें एक अध्यापक की जरूरत है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बहुवचन रूप उपयोग करके आप वाक्य क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के बहुवचन रूप से कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें बहुवचन का सिर्फ रूप दिया है, यानी कि वहां पे हमें एक वचन ही दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम उसे बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे और वाक्य को फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रिक्त स्थान यानी पे रिक्त स्थान यानी के उसका रूप बहुवचन रूप लिखकर हम इसके रिक्त स्थान की पूर्ति फिलिंग द ब्लैंक जो है उसकी पूर्ति करेंगे। आइए नंबर एक देखते हैं। क, डैश नृत्य कर रही है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है लड़की, तो हम इसका उपयोग करेंगे बहुवचन में, लड़कियां नृत्य कर रही है, ठीक है। ख, डैश की माला पहनी है, ब्रैकेट में अंगुली, तो अंगुली का हम बहुवचन करेंगे, उसने अंगुलियों की माला पहनी है। नंबर ग, भारत को देश का देश कहा जाता है, ब्रैकेट में है त्योहार, तो त्योहार का हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, त्योहारों, तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, ठीक है। ग, देश खाना बना रही है, महिला, ब्रैकेट में तो हम महिला का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, महिलाएं, होगा ना, तो हम लिखेंगे महिलाएं खाना बना रही है, ठीक है। अंग नंबर पांच, नंबर पांच, उसने फिर डैश और देखा मेरी, ठीक है, तो हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे तो वही रहेगा, उसने फिर मेरी और देखा, तो इस तरह से हम उसका उपयोग करके बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न नंबर चार, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम सही उत्तर को चॉइस करेंगे, ठीक है, विकल्प को, और उससे हम इस स्थान की पूर्ति करेंगे। नंबर एक, इस डैश में पानी दे दो, ऑप्शन दिए पौधा, पौधे, फूल, कली, तो हम इसमें सही है पौधे, इस पौधे में दे दो, तो इस तरह से यहाँ पे पौधे शब्द हम चॉइस करेंगे, उसका सीरियल नंबर है ख, फिर लिखेंगे पौधे और फिर राइट का निशान करेंगे, तो इस तरह से हम एग्जाम में सप्लीमेंट्री में भी लिख सकते हैं। नंबर दो, ये डैश अच्छी है, अब ऑप्शन दिया है कविता, पुस्तक, कविताएं और कलम, तो सही है कविताएं,
क्योंकि य पे मात्रा ये, ठीक है, तो ये शब्द बता रहा है कि बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वे, ठीक है। अगर यह होता तो एक वचन होता तो उसमें कविता, पुस्तक या कलम आ सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है ये, और बहुवचन में सिर्फ एक ही चीज दी गई है, ग, कविताएं, तो सही है कविताएं। नंबर तीन, ठीक है, डैश हमें शीतल जल देती है, तो यहाँ पे उत्तर आएगा नदियां, नदियां हमें शीतल जल देती है। नंबर चार, पुस्तकालय में बहुत सी नई डैश आई है, तो पुस्तकालय में बहुत सी नई पुस्तकें, ग, ठीक है, ग जो विकल्प है वो सही है, पुस्तकें आई है। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों इसे रिवीजन करते हैं, उसे याद करते हैं। आप घर पे इसे दो तीन बार याद कर लें, देख जाएं उसे, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारी एक्सरसाइज दी गई है और इसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी पहले ही सेंड कर दी गई है, तो उसमें से भी आप उसके आंसर, ठीक है, देखकर किस तरह से उत्तर लिखने उसकी तैयारी कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री में आपको इसे अच्छे से लिखना है, सीरियल नंबर और आंसर साथ में लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप प्यारे बच्चों मन से, दिल से, अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्जाम की तैयारी करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।